हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आपको अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान लेके आई थी करवा चौथ के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैं मतलब क्या सामान लाई हूँ और क्या नहीं। ज़्यादा कुछ तो मैं लाई नहीं थी, और वैसे भी मैं यही लोकल मार्केट से सब लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मतलब कि वहाँ पे जो मार्केट में मैं गई थी वहाँ पे मतलब इतनी जल्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इनको भी अपने काम से जाना था, तो इसलिए मतलब मैंने जल्दी से साड़ी वगैरह ले ली थी और फिर मैं आ गई अपना तो फटाफट से। तो मैं ये कली लेके आई हूँ यहाँ से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, और बस ये दो की मेहंदी की लेके आई हूँ मैं ये, तो ये लगाऊंगी मैं अब आज रात को, देखती हूँ 9-10 बजे तक, 10-10:30। और एक ये नेल पेंट है रेड कलर की है, और एक ये ओलिविया की क्रीम है, और एक मैं लाई हूँ लिपस्टिक रेड कलर की। रेड भी नहीं है, थोड़ा अलग ही है, डिफरेंट है यार। वहाँ तो ये मुझको रेड लग रहा था जैसे रेड ही हो, बट ना तो यार ये रेड है ना मेहरून है, मतलब समझ नहीं आ रहा। हल्का हल्का कुछ मर्जेंटा टाइप में है ना, ऐसा सा लग रहा है ये। और एक ये मैं बिंदी लेके आई हूँ रेड कलर की, और बस और कुछ नहीं लाई हूँ, बस यही लाई हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि यार एक्चुअली मेरे पास सारा सामान हैगा जो भी मतलब मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, और कॉम्पैक्ट तो यही है भाई, वो तो मतलब पहले ही रखा था तो वही चल जाएगा, और आई शेडो भी मेरे पास रखा हुआ है। और बाकी यह है कि हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और लाई हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, वो जो लास्ट चीज़ है वो ये है फेयर एंड लवली की बेबी क्रीम। तो मैं मतलब ये यूज़ कर लेती हूँ फाउंडेशन टाइप में, क्योंकि मैं ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह ऐसा कुछ यूज़ करती नहीं हूँ, और ना मतलब मैंने कभी किया है, मुझे आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए मैं यही लगा लेती हूँ और फाउंडेशन का काम कर लेती है, यही बहुत है। नहीं, क्योंकि यार डेली यूज़ में इतना लगाया भी नहीं जाता, डेली डेली तो मतलब हाँ लगाते भी होंगे यार, ऐसा नहीं है, लगाने वाले लगाते होंगे, बट मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं नॉर्मल ये लगा लेती हूँ। बट यार अभी मेरा लिपस्टिक को देख के थोड़ा माइंड अपसेट सा हो गया है, क्योंकि यार ये ना मुझे रेड कलर चाहिए था, और वहाँ पे ये रेड लग रही थी, अब पता नहीं ये रेड नहीं है, रेड नहीं है ये, क्योंकि यार रेड में और इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज, अभी पता नहीं अभी ये जाएंगे या नहीं मेरी साड़ी लेने के लिए, अगर अब नहीं गए तो शायद मॉर्निंग में जाएंगे, तो मॉर्निंग में वैसे भी हम 12-1 बजे तैयार होने लगते हैं, तो शायद जब तक लेके भी आ जाएंगे ये। बट मुझे ये हो रहा है कि यार मैं अपना ब्लाउज़ ट्राई कर लेती, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती तो शायद मैं उसको ठीक भी करा लेती, या मैं खुद भी कर लेती अगर ढीला टाइट या कुछ होता है तो मैं खुद भी कर लेती, क्योंकि ना मुझे ना ब्लाउज़ सिलने का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने अपने सिले भी हैं, मतलब 2-3 ब्लाउज़ सिले हैं, एक तो नॉर्मली सिला है और एक अस्तर वाला सिला था, तो मतलब ठीक ठाक सिल गया था, बट वो मज़ा सा नहीं आया यार जैसा आना चाहिए ना ब्लाउज़ में, वो मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि यार ब्लाउज़ में देखो, ब्लाउज़ का रिस्क लेना तो समझ लो साड़ी बेकार, क्योंकि साड़ी में ना मेन स्लिप होता है ब्लाउज़, अगर ब्लाउज़ की फिटिंग मस्त आ गई, अगर परफेक्ट सिल गया, तो ये समझ लो अगर 200-300 की भी साड़ी है ना, ब्लाउज़ एकदम मस्त सा हो गया, तो समझ लो साड़ी एकदम मस्त लगेगी यार ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्लाउज़ अच्छा होना चाहिए तो साड़ी भी अच्छी लगेगी। तो गाइज, यहाँ पे मतलब मेरी चाय वगैरह मैंने पी ली थी अपनी, और अभी बस मैं ना मतलब बाहर घूम रही थी थोड़ा सा, तो यहाँ पे मतलब हमारे आसपास ना गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी बच्चों को ना गन्ना वगैरह दे रही थी छील करके, तो क्योंकि छोटे छोटे तो मैं उनको ऐसे तोड़ तोड़ के दे दिया था, तो उन्होंने पी हुआ है ना उसको ज़्यादा शौक है, तो वो खा रही थी, तो फिर मैंने इसलिए अभी थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो मैं छोटी सी एक वीडियो ये बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सामान वगैरह दिखा देती हूँ। क्योंकि पता है एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ना जिस दिन साड़ी वगैरह लेने गई थी, तो मैंने वीडियो भी शूट करी थी, क्लिप वगैरह बनाया था,
तो एक्चुअली क्या हुआ, वो मैंने एडिटिंग भी कर दी थी, सब कुछ हो चुका था, बस मुझे वो अपलोड करनी थी। तो मैंने सोचा चलो यार अपलोड ही तो करनी है, थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगी। मैंने मतलब कि एडिट वगैरह करके रख दी थी और वो इतनी मस्त मुझे मतलब बहुत अच्छी वीडियो लगी थी, बहुत ज़्यादा ही। और वो यार ना डिलीट हो गई मुझसे गलती से, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं पता। और थोड़ी सी मतलब मेरा मन ऐसा हो गया था यार, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी और अब ऐसा हो गया, तो इसलिए यार मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था। और सबसे ज़्यादा पता है क्या है, मैंने ना अपनी ये मतलब जब से मेरी मैरिज हुई है, मेरी शादी को मतलब 7-8 साल हो चुके हैं, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी है करवा चौथ की। क्योंकि हर टाइम क्या होता है, हर बारी ये मुझे मतलब पैसे वगैरह दे देते हैं तो मैं खुद ही जाके कर लेती हूँ। क्योंकि पता है क्या है, वहाँ पे ना मेरे पास में ही मार्केट थी जहाँ मैं रहती थी पहले, और अब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ी दूर पड़ती है, तो यहाँ पे मुझे इनके साथ ही जाना पड़ गया था, अगर ले जाते हैं तो ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि ना यार मुझे जाना तो था 16-17 में जाती मैं, बट इनके पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो जब आपको टाइम मिलेगा तो चल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं यार। तो अब यह है कि इनको जब टाइम मिला तो मैं जब गई हूँ तब लेके आई, बट यार मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो साड़ी भी इन्हीं की पसंद की है, क्योंकि यार देखो अपनी पसंद की तो मैं हर बार पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, इनकी पसंद की ही पहनती हूँ मैं ज़्यादातर, जो इनको पसंद नहीं होता वो मैं पहनती भी नहीं हूँ। क्योंकि अब हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा और यार हम ज़बरदस्ती वो पहने जा रहे हैं तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इनको मतलब वो साड़ी बहुत अच्छी लगी, और ऐसा नहीं है मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने तभी ली, ऐसा नहीं था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैंने ले ली। तो वो मेरे हस्बैंड को ही पसंद आई थी और मुझे भी, क्योंकि मैंने इनसे ही पूछा था कि यार आप बताओ पहले आपको कैसी लग रही है, तो उन्होंने कहा मुझे तो एकदम मस्त लग रही है, और तू देख ले बाकी भाई आपको कैसी लग रही है। तो मुझे भी ठीक लगी इसलिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब पीयू को वॉमिटिंग हो गई थी तो मैं चली गई थी अभी, तो यहाँ पे मिलाते हैं आपको पीयू से। हेलो करो पीयू, बाय। ये बाय करती है, इसको हाय करना नहीं आता अभी। और पीयू आपके दाना कहाँ हो रहे दिखाओ, यहाँ पे इसके ना यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसके पीयू के यहाँ पे दाना हो गया था, और ये ना मतलब ठीक ही नहीं होने देती है। जैसे ये ठीक होता है ना, ये जब भी इसको ऐसे ऐसे कर देती है, तो जब भी फिर से इसके ब्लड आने लग जाता है, और दवाई ये बिल्कुल नहीं लगाती है। तो जब ये रात में सोती है मैं जब भी लगाती हूँ इसकी नींद में। और हाँ भाई, कहाँ कहाँ गए थे आप? आ गए थे। अच्छा फ्रेंकिस कर दो, फ्रेंकिस आती है आपको करने? ये बाय करती है बस। आइसक्रीम खाई थी आज? कितनी आइसक्रीम खाई थी? कितनी आइसक्रीम खाई थी? कितनी खाई थी? एक दो तीन चार। और क्या खाया था आपने? मैंगो खाए थे? आम खाए थे? आम कितने कितने आम खाए? दो दो तीन चार। और क्या खाई थी गुल्ली ने? है भाई पियो, और बनाना खाया था? बनाना नाना, अभी इसको बनाना नहीं बोलने आता है तो ये बोलते हैं नाना। क्या बोलते हैं? नाना नाना खाया था। चलो ठीक है, ओके। और मेहंदी लगाओगे आप भी? चलो ठीक है, ओके डियर। और मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।